रूस ने S-400 मिसाइलों की डिलीवरी भारत को शुरू कर दी है और रूस से मिले इस दिव्यास्त्र ने भारत के सुरक्षा चक्र को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है। इस वक्त जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से भारत को चुनौतियां मिल रही हैं, उस वक्त भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम की काफी जरूरत महसूस हो रही थी। ऐसे में जानते हैं कि S-400 मिसाइल भारत के लिए कितना उपयोगी है और भारत के लिए ये कितना अहम साबित होने वाला है। क्या काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम? इसका काम देश में होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगाना और उसे रोकना है। ये तमाम तरह के रेडार और उपग्रह की मदद से जानकारी जुटाता है। इस जानकारी के आधार पर ये बता सकता है कि लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंटी मिसाइल दाग कर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। भारत ने अब तक रूस से मारने वाले हथियार ही खरीदे हैं। पहली बार भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ चीनी एयर डिफेंस सिस्टम। चीन ने अक्टूबर महीने में पाकिस्तान को स्वदेशी तकनीक पर विकसित हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम को सौंपा था। इस सिस्टम में लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं। इस मिसाइल सिस्टम को चाइना चीन प्रेसिजन मशीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इसकी लंबाई 6.8 मीटर और वजन करीब 2000 किलोग्राम तक होता है। HQ-9 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, हेलीकॉप्टर विमान, मानव रहित विमान, गाइडेड बम और टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई खतरों को रोक सकता है। चीनी डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। चीन ने AQ-9 मिसाइल सिस्टम के कई वेरिएंट को बनाया है जिसकी अधिकतम रेंज 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। इसको शामिल किए जाने के समारोह में पाकिस्तान ने शेखी बघाड़ते हुए कहा था कि ये सिस्टम काफी मजबूत है और इससे पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा काफी मजबूत हो गई है। उसने ये दावा किया था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को इंसेप्ट कर सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि चीन ने इस मिसाइल सिस्टम को रूस के S-300 और अमेरिका के MIM-104 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की तकनीक पर विकसित किया है। इन देशों के पास भी है चीन एयर डिफेंस सिस्टम। चीन ने AQ-9 मिसाइल सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को पाकिस्तान के अलावा अल्जीरिया, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को निर्यात किया है। इस सिस्टम में लगी मिसाइल 2 स्टेज में काम करती है। इसकी मिसाइल अधिकतम 4.2 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकती है। ये मिसाइल 180 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट को 200 किलोमीटर की अधिकतम सीमा और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की बैटरी में टाइप 120 लो एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार, टाइप 305A 3D एक्विजिशन रडार, H-200 मोबाइल एंगेजमेंट रडार और टाइप 305B 3D एक्विजिशन रडार शामिल है। क्या है S-400 डिफेंस सिस्टम? ये एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अलमाज आते ने तैयार किया है जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। एक साथ 300 टारगेट को कर सकता है ट्रैक। S-400 का जलवा ये है कि इसके रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में भी टारगेट को भेज सकती हैं। मन करे तो इससे जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम।
ये इस बात की जिम्मेदारी भी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद, कुछ दूरी पर या करीब आने पर अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय ही मिसाइल ध्वस्त कर दी गई तो उसके मलबे राख से भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें चार तरह की मिसाइल होती है। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी मिसाइल 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है। S-400 डिफेंस सिस्टम को और घातक बना रहा रूस। रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होंगी। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। जरूरत के हिसाब से मिसाइल में हो सकेगा बदलाव। रूसी सेना के अनुसार लॉन्च प्लेटफॉर्म में इस बदलाव से स्थिति के आधार पर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों को तुरंत स्विच करना संभव हो जाएगा। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से अपेक्षा की जाती है कि वो घरेलू एयर डिफेंस की क्षमताओं में मौलिक रूप से वृद्धि करे और किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए एक सुरक्षित प्रणाली का निर्माण करे। रूस के पास S-400 की 125 बटालियन। आपको बता दें कि रूस की एयर डिफेंस फोर्स S-300 की कम से कम 125 बटालियन और S-400 की 55 बटालियन से लैस है। योजना के अनुसार S-300 की चार बड़ी लॉन्च ट्यूब में से एक और अधिक को चार छोटे 9M-96 और 9M-96M मिसाइलों के साथ बदला जाएगा। इन मिसाइलों की रेंज 30 से 120 किलोमीटर की होगी। ये मिसाइलें 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होंगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रूस के एस्ट्राखान क्षेत्र में एरोस्पेस फोर्सेस के 185वें सेंटर फॉर कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान इसका सफल ट्रायल किया गया। दरअसल भारत के लिए चीन और पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने के लिए किसी भी हालात में क्षमता विकसित करने की जरूरत थी। भारत से पहले बीजिंग ने 2015 में मॉस्को के साथ S-400 प्रणाली की 6 बटालियन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और डिलीवरी जनवरी 2018 में शुरू हुई, जबकि चीनी अधिग्रहण को इस क्षेत्र में गेम चेंजर के रूप में देखा गया और ये भारत के लिए काफी चिंता की बात है। बहरहाल ये मिसाइल दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में S-400 अहम भूमिका निभा सकती है, लिहाजा भारत को एक ऐसी मिसाइल सिस्टम की जरूरत है जो सीमा की रक्षा कर सके और उस लिहाज से S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत को S-400 सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हो जाएगा।